For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फारा उस्मान है। आज मैं आपसे कोरोना वायरस के टेस्ट के मुतालिक चंद जरूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ। जब से पाकिस्तान में एंटीबॉडी टेस्ट की अवेलेबिलिटी हुई है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि अब हमें पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए या एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए और फिर उसके रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव आने का क्या मतलब है, ये हमें करवाना चाहिए भी या नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद उसकी कॉस्ट का बहुत ज्यादा फैक्टर है कि एंटीबॉडी टेस्ट कुछ सस्ता है तो लोग उसे प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कोरोना वायरस का कंफर्मेटरी टेस्ट है अभी तक वो कोविड-19 पीसीआर टेस्ट है, जो कि एक स्वैब के जरिए आपके नाक के अंदर का जो पानी है, जो सिक्रीशंस हैं, उसका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है और उससे ही आपके कोविड-19 पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता चलाया जा सकता है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। अब अगर आपका कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है तो जाहिर सी बात है कि आपने आइसोलेट रहना है। 14 डेज तक आपने अपनी आइसोलेशन कंप्लीट करनी है। अगर आपके सिम्टम्स रिजोल्व हो गए हैं और सिम्टम रिजोल्व होने के बाद आपने 3-4 दिन अपने आप को आइसोलेट रख लिया तो फिर आप अपनी आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं। और उस आइसोलेशन ब्रेक करने के लिए भी जो न्यू गाइडलाइंस है हमारे पास, उसके मुताबिक आपको दोबारा रीटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि पीसीआर अगर आप दोबारा करवाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हैं और उसके बावजूद आपका वो पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि वायरल रेमिनेंट्स आप में मौजूद होते हैं तो वो कई दफा पॉजिटिव टेस्ट दे देते हैं। तो इस वजह से आपको, अगर आपने अपने आपको आइसोलेट रख लिया, आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हैं और आपके सिम्टम्स खत्म होने के बाद भी 3-4 दिन आपने आइसोलेशन रख के फिर अपने आइसोलेशन को ब्रेक किया है, तो उसके लिए आपको रीटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ चंद एक कंडीशन है, जैसे कि ऐसी जॉब्स हैं जैसे कि डॉक्टर्स हैं या कोई ऐसी जॉब्स हैं जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट स्टाफ है, जिन्होंने जिनका बहुत ज्यादा लोगों से इंट्रैक्शन होता है, उन्हें उनके बारे में यही रिकमेंडेड है कि उन्हें रीटेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन आम पब्लिक के लिए जरूरी नहीं है कि वो रीटेस्ट करवाएं। अब रीटेस्ट में ये भी जरूरी नहीं है कि आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं। अब एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो डिफरेंट लैब्स डिफरेंट तरह कर रही हैं। कुछ लैब्स में IgG और IgM टेस्ट सेपरेट किया जा रहा है और कुछ में टोटल एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपका IgM पॉजिटिव आता है और IgG नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है? तो अगर आपका IgM पॉजिटिव आ रहा है तो उसे कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर आपका IgM नेगेटिव आता है और IgG पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आप में इम्यूनिटी डिवेलप हो गई है और आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और अगर आपका IgM और IgG दोनों पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी एक्टिव इन्फेक्शन की फेज में हैं और साथ में अपनी इम्यूनिटी भी डिवेलप हो रही है, और इसे भी कंफर्म करवाने के लिए आपको दोबारा PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर आपके दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, IgM और IgG दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रीवियसली कोरोना वायरस से एक्सपोज नहीं हुए। एक तो ये तरीकेकार है लैब्स का, और दूसरा तरीकेकार क्या है कि वो टोटल एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। टोटल एंटीबॉडी टेस्ट में वो IgG और IgM दोनों देखते हैं, लेकिन वो उसे सेपरेटली इंडिकेट नहीं कर रहे। अगर आपका टोटल एंटीबॉडी टेस्ट रिएक्टिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप में उन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों पॉजिटिव हैं। तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है कि अगर तो आपका PCR पॉजिटिव था, आपको कोरोना था और आपको सिम्टम्स आ रहे थे उसके, आपने उसे अपने खुद को आइसोलेट रखा हुआ था, और आइसोलेट रखने के बाद अगर आपने आपके सिम्टम्स रिजॉल्व होने के बाद आपने वो टेस्ट करवाया है तो वो मोस्ट प्रोबेबली IgG होगा। और अगर आपकी अभी इन्फेक्शन चल रही है और उसके दौरान वो पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि उसमें IgM हो सकता है और आपका भी एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है? और अगर वो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नॉन रिएक्टिव है, तो आप प्रीवियसली कोरोना वायरस से एक्सपोज नहीं हुए। अच्छा, अब ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि आप अगर प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, प्लाज्मा आप किसी को डोनेट करना चाह रहे हैं, तो आपका IgG लेवल देखा जाता है कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको अभी एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है, अभी आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अर्ली फेजेस में है, शुरू के कई दफा 2 हफ्ते तक ये टेस्ट नेगेटिव आता है, जब आप में IgG और IgM डेवलप होना शुरू होती हैं उसके बाद ये टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सिम्टम्स आए हैं और आपने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया है और वो नेगेटिव आ गया है तो आप अपने आप को कह देंगे कि मैं तो कोरोना फ्री हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू के 10-15 दिन तक ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इसीलिए जो कोविड 19 का कंफर्मेटरी टेस्ट है वो कोविड 19 PCR टेस्ट है, जो कि नेजल स्वैब के जरिए किया जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट उसका कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है इसमें फास्ट पॉजिटिव भी आ जाते हैं। बहुत ज्यादा फास्ट पॉजिटिव कैसे आ जाते हैं कि आपकी बॉडी में कई दफा कोरोना वायरस के फैमिली के जो दूसरे वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और वो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट करके आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट दे देती हैं। तो इसमें इसके भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ये एक शॉर्ट सा आपको मैंने रिव्यू दिया है कि आपको कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है उसका और एंटीबॉडी टेस्ट क्या है। विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस आपको एंटीबॉडी टेस्ट करवाना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ये समझ रहे हैं कि आपने एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है किसी वजह से तो ही आप वो जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि उसकी कॉस्ट कम है तो आप PCR की बजाय वो करवा लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक के लिए हमारे पास जो रिकमेंडेड टेस्ट है कंफर्मेशन के लिए वो PCR है। नेक्स्ट जैसे रिसर्चेस आती हैं, कोई और टेस्ट आ जाता है तो तब मैं नहीं कह सकती। फिर आपको कंफर्म होने के बाद फिर आपको फर्दर जैसे जैसे सिम्टम्स आते हैं उसके मुताबिक आपको फर्दर टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे है, ब्लड टेस्ट हैं और कई टेस्ट जैसे जैसे आपकी कंडीशन आप गाइड करती है डॉक्टर्स को, वो आपको फर्दर टेस्ट एडवाइस करते हैं, वो आपको साथ साथ करवाने की जरूरत पड़ जाती है। सो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था इन टेस्ट के बारे में। तो आप खुद को इस मामले में कंफ्यूज ना करें, डॉक्टर्स को अपना काम करने दें और आप बिला वजह वो टेस्ट ना करवाएं जिसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।